गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएच फैक्टर के ऊपर। व्हाट इज़ पीएच फैक्टर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे कैसे मेज़र किया जाता है और साथ में बिना पीएच मीटर के हम लोग कैसे पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्चुअली पीएच डिटरमाइन नहीं होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक वैल्यू हमें चाहिए वो ये मेथड से पॉसिबल नहीं है जानना। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मीडिया अल्कलाइन है या एसिडिक है। तो बेसिक वो जो डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे खाद इस्तेमाल करते हैं जो अचानक से मीडिया को आइदर एसिड के तरफ और अल्कलाइन के तरफ मूव करवा देता है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो फिर आपका जो पौधा है वो काफ़ी सही तरीके से आगे चलेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो बिना पीएच मीटर के कैसे उसको नापा जाता है या कैसे उसको मेज़र किया जाता है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल पे थोड़ा सा गार्डन सॉइल लिया है जहाँ का पीएच मुझे मेज़र करना है। तो इसे लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब घोल लीजिए। एक्चुअली ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कॉमन है मेरा सॉइल प्रोफाइलिंग वीडियो से, क्योंकि वो अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो ये वाला भी साथ में टेस्ट हो जाएगा आपका। तो मिट्टी को अच्छे से घोलने के बाद उसे कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फाइनली कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सबसे नीचे सेडिमेंट हुए है, उससे ऊपर थोड़ा पतला वाला और फाइनली एकदम ऊपर में एकदम जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्ले कहते हैं वो आ गया है। अब ये जो ऊपर का पानी है यही यहाँ पे चाहिए हमें आगे चलने के लिए, मतलब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए पानी चाहिए हमें। और बाकी का जो प्रोफाइलिंग है इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पानी को अलग कर लिया है। अब हमें लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जो कि किचन में इजीली अवेलेबल होता है, और अगर आपके पास नहीं है किचन में तो आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से 5 या 10 रुपये का ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम का चीज़ है। तो इसे आपको लेना है 1 चम्मच और ये पानी का आधा पोर्शन इसमें डाल देना है। अब जस्ट इसका रिएक्शन आप आँखों के सामने देखिए क्या हो रहा है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका रेंज है 0 से 14 तक। बीच वाला नंबर 7 प्योर ड्रिंकिंग वाटर का पीएच माना जाता है। अब दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका OH या हाइड्रोक्सिल आयन। अब अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग एसिडिक कहते हैं, जिसका रेंज आता है 0 से 6.9 तक, और 7.1 से लेके 14 तक आ जाता है आपका अल्कलाइन, जहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल आयन या OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। अब चलिए दूसरे ग्लास में थोड़ा सा विनीगर ऐड करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या ये रिएक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो विनीगर ऐड करने के बाद ना तो कोई बबल फॉर्मेशन, ना तो कोई चेंजेस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन पहले वाले ग्लास में आपके आंखों के सामने इसमें बबल फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे मैंने जो मिट्टी का इस्तेमाल किया वो गुलाब के पॉट में से था, इसलिए मुझे पता है कि वो मिट्टी एसिडिक था। और रिजल्ट आपके सामने है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसने रिएक्ट किया, लेकिन विनीगर के साथ उसने 1% भी कोई रिएक्शन नहीं शो किया। जबकि अगर मेरा मिट्टी अल्कलाइन होता तो यही रिज़ल्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता। विनीगर के साथ आपको बबल फॉर्मेशन मिलता और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो न्यूट्रल रहता। तो इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन था कि अपना सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन, ये तो पता चल गया। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर काम करना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली गुलाब, हिबिस्कस या कुछ वेजिटेबल प्लांट्स के लिए, क्योंकि आप देखिएगा आप कंटिन्यूसली खाद डाल रहे हो, आप प्रॉपरली केयर कर रहे हो, लेकिन पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है उसमें जो मीडिया है उसका पीएच गड़बड़ है। पीएच को अगर आप सही जगह पे नहीं लाए, जैसे कि गुलाब के लिए 6
से लेके 6.9 तक रिज़ल्ट अच्छा देता है, और ऑप्टिमम रिज़ल्ट हमें मिलता है 6.5 से लेके 6.8 तक। हिबिस्कस या गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बढ़िया रेंज है 6.5 से 6.8, जबकि कुछ वेजिटेबल प्लांट आपका एसिडिक मीडियम में अच्छा होता है, कुछ होता है न्यूट्रल रेंज पे, कुछ होता है आपका एल्कलाइन मीडिया पे। तो ये सारा चीज़ गूगल में अवेलेबल है, आप जाके जस्ट उसे एक बार चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा। और एग्जैक्ट स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आप कोई अच्छा पीएच मीटर डिजिटल वाला लीजिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल मैनुअल वाला 300 या 400 रुपये का मिलता है वो उतना काम का नहीं है। आपको जस्ट मन का शांति होगा कि भाई हाँ मेरे पास पीएच मीटर है, मैंने पीएच मीटर से नाप के अपना पौधा लगाया है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है और बहुत जल्दी वो ख़राब होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरा गार्डन एक्सपेरिमेंट वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।